हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नाइन ऑफ एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन चैप्टर नंबर नाइन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रेग्नोमेट्री क्लास टन मैथ्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर सो टू आर देयर वो एक है टावर एक है बिल्डिंग तो टावर बना लेते हैं और एक बिल्डिंग बना लेते हैं ये टावर बड़ा होता है तो ये टावर हो गया और एक बिल्डिंग बना लेते हैं छोटी ये हो ये टावर ये बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं पहले तो इन दोनों का जो भी रिलेशनशिप है वो देख लेते हैं हम नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये बिल्डिंग है इसको बिल्डिंग है ये बिल्डिंग की वन है और ये टावर है और एंगल एलिवेशन कहा से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज थर्टी द एंगल ऑफ व्यूशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट फूट टावर टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे देखना है टावर के फुट से हमें कहा देखना है बिल्डिंग के टॉप पे तो ये बिल्डिंग का टॉप हो गया ये टावर का फुट हो गया ये बिल्डिंग का टॉप हो गया और कितना एंगल ऑफ दे रखा है थर्टी डिग्री दे रखा है एंड द एंगल वल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फूट ऑफ द बिल्डिंग और बिल्डिंग के फूट से बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे जा रहे हैं बिल्डिंग के फुट ये बिल्डिंग का फुट हो गया और बिल्डिंग का फुट uh, से टावर के टॉप पे जा रहे हैं तो एंगल एलिवेशन कितना बन रहा है? डिग्री बन रहा है ये गिवन है एक और। टावर इज फिफ्टी मीटर हाई और टावर की हाइट हमें गिवन है ये टावर की हाइट कितनी है हमें फिफ्टी मीटर गिवन है फिफ्टी मीटर वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है ये हमें निकालना है एच मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट को एच ये एच हमें निकालना है सो लेट्स फाइंड आउट एच और वो एच हम निकाल लेते हैं सो लेट गिव द नेम्स फर्स्ट ए ये बी ये टावर हो गया और इसको देते हैं सी ये डी ये बिल्डिंग हो गई ठीक है सो लेट्स राइट लेट ए बी इक्वल्स टू फिफ्टी मीटर बी डी हाइट ऑफ टावर ये टावर हो गया हमारा एंड एंड सी डी इक्वल्स टू एच बी डी हाइट ऑफ बिल्डिंग ये बिल्डिंग की हाइट हो और वी नीड टू फाइंड टू फाइंड क्या करना है हमें एच ही निकालना है और एलिवेशन एंगल दे रखा है थर्टी सिक्सटी टू फाइंड सी डी यानी एच निकालना है हाइट निकालनी टावर की सो देर आर टू ट्राइंगल्स और दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं हमें ये एक्स मान लेते हैं इसको एक्स और ये एच हो गया ये फिफ्टी गिवन है तो राइट right ट्राइंगल ले, ले लेते हैं पहले हम इन राइट ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ए बी डी लेते हैं पहले कोई ऐसा भी ले सकते हैं फर्स्ट इन राइट ट्राइंगल ए बी डी अब आप देखो क्या गिवन है और क्या निकालना है इस ट्राइंगल ए बी डी में गिवन है और ये हमें निकालना है एक्स हमें फाइंड आउट करना है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस तो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो होता है टेन टेन सिक्सटी हो गया हमारा ए बी अपॉन बी डी और टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री और ए बी है फिफ्टी और बी डी कितना है एक्स तो इससे हमारा एक्स इक्ल क्या आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू फिफ्टी बाय रूट थ्री

और ये हमें निकालना है तो परपेंडिकुलर अपन बेस परपेंडिकुलर अपन बेस और एंगल कितना थर्टी डिग्री तो टेन थर्टी हो गया टेन थर्टी परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस कितना इट वैल्यू कितनी होती 1 बाय रूट 3, है कितना निकालना और एक्स हमने अभी निकाला एक्स कितना निकाला रूट बाय अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड विल गेट द आंसर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आएगा so h root 3 equals to फिफ्टी root थ्री by थ्री root 3 से root थ्री कट मतलब h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई फिफ्टी by थ्री ये आ गई टावर की हाइट बिल्डिंग की हाइट फिफ्टी by 3 means थ्री वन जा थ्री थ्री और 2 के थ्री जा एटीन सिक्सटीन टू by थ्री मीटर दिस इज the height of tower बिल्डिंग uh, ये बिल्डिंग की हमारी क्या गई हाइट है टावर की हाइट हमें फिफ्टी मीटर गिवन है सो आई होप यू अंडरस्टूड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो